नमस्कार, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी समय से हम लोगों को रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि कोई ट्यूटोरियल वगैरह हम बनाएं कि बांसुरी कैसे बजाई जाती है फॉर द वेरी बिगिनर्स ऑफ फ्लूट, तो उसके लिए हमारी ये कोशिश है। सबसे पहले तो आप एक बांसुरी लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सी नेचुरल मीडियम स्केल की बांसुरी लीजिए, जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना बहुत ज़्यादा छोटी, और जो कम्फर्टेबल होती है हैंडल करने के लिए। बांसुरी सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि इसमें से साउंड निकालना। उसके लिए जो सबसे पहला जो होल होता है दैट इज़ कॉल्ड ब्लोइंग होल। यहाँ से हम लोगों को फूंक मारनी होती है, और सबसे पहला स्टेप यही है कि यहाँ से पहले आवाज़ निकले। अभी हमको सारे गामा पाधा निसा पे ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले तो ये चैलेंज है कि इसमें से आवाज़ निकले। कई स्टूडेंट्स की आवाज़ तुरंत 2 मिनट में निकल जाती है, कुछ लोगों को 4 दिन और 6 दिन और 8 दिन भी लग जाते हैं अच्छी आवाज़ निकालने में, और कुछ को महीना भी लग जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना समय दे रहे हैं इसमें फूंक मारने में, और अलग अलग टाइम पर कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहला जो नोट है उसका ये ऐसे बजाना है, आपको सेंटर में रख के, ये ब्लोइंग होल है, इसको लिप्स पे सेंटर में रखा हमने। आप सबसे बेहतर ये है कि आप इसको मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, तो काफ़ी हेल्प करता है वो। इसको ऐसा सेंटर में रख के, देखिए सेंटर में है, शुरू में आप यदि कोशिश करेंगे तो अभी कहीं कभी आप यहाँ पे पड़े ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यदि आपने बचपन में ये किया हो कि पेन के जो कैप्स होती थी उसके ऊपर आपने यदि विसल की बजाई हो, सिटी बजाई हो, तो दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर। आपको उसी तरह से इसमें ब्लो करना है, पॉइंटेड ब्लो। फिर से देखते हैं एक बार, ये कोई भी होल अभी फ़िलहाल सारे ओपन है, कहीं कोई फिंगर्स का यूज़ नहीं किया है मैंने। अभी सिर्फ मैं ब्लो कर रहा हूँ और सिर्फ एक आवाज़ निकाल रहा हूँ। जितनी लंबी हो सके आवाज़ निकालने की कोशिश कीजिए। शुरू में हो सकता है 1 सेकंड 2 सेकंड की निकलेगी, उसके बाद 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, जितना ज़्यादा आप ब्लो करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये जो नोट है जब हम आगे सीखेंगे तभी आपको पता चलेगा, ये तीव्र म है, तीव्र म। तो ये नोट फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपको, तो आज हमने ये सीखा कि बांसुरी को ब्लो कैसे करते हैं सबसे पहले। तो इसमें आपको फिर से मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि ब्लोइंग होल को सेंटर में रखना है और उसको पॉइंटेड ब्लो देना है, और कहीं कोई भी फिंगर्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अब इस वीडियो की एक और ख़ास बात ये है कि आगे आप देखेंगे कि कुछ मेरे पहचान वाले मित्रों ने और दोस्तों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और उन्होंने सिर्फ म बजाया है, तीव्र म है, कहीं कहीं कुछ लोगों ने शुद्ध म भी बजाया है। बट इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर हो सके कि वो इस खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट को ख़रीदें, परचेस करें और सीखें, क्योंकि ये एक स्ट्रेस बस्टर है। इससे आपका तनाव दूर होगा, आपका मन शांत रहेगा, और आपकी दूसरी चीज़ों में आपका मन ज़्यादा लगेगा जब आप अपना ध्यान इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी लगाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपको, आप जल्दी से सीखें, मैं बहुत जल्दी इसका दूसरा ट्यूटोरियल भी रेडी करूँगा। थैंक यू सो मच।